हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी। तो आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ की पॉइंट्स ऑफ जेनेटिक का सेशन। तो आज हम जिस पॉइंट पर बात करने वाले हैं वह है कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वह ऐसे पे बनाई जाए कि कैरेक्टर्स और ट्रेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। पर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कैरेक्टर, तो बच्चों अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो कैरेक्टर की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। कैरेक्टर रेफर्स टू एनी ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि कैरेक्टर क्या है, कोई भी ऑब्जर्वेबल फीचर है जो कि ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है, जो कि माता पिता से उनके बच्चों में आता है। वो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, देखो वो कैरेक्टर आपका हेयर का कलर भी हो सकता है, ठीक है, हेयर टाइप भी हो सकता है। यहाँ पे मैं हेयर टाइप मीन्स कर्ल हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्किन कलर, स्किन टोन, ठीक है, या फिर आई कलर, ठीक है। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो हम उसको बोल सकते हैं, कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो शीट का शेप हो गया, ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो ये क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं जो हमने अभी कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैरेक्टर्स हम किसको बोलते हैं, फिनोटाइप को हम बोलते हैं कैरेक्टर्स। तो आपकी समझ में आ गया, जो भी फिनोटिपिकली या बोलो फिजिकली हमें दिखाई कैरेक्टर्स देते हैं उन्हें हम बोलते हैं, जो भी फिजिकली हमें दिखाई देता है हम उनको कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जो हमें पेरेंट्स से मिले हैं और हमारे बच्चों में हमसे जग के। तो ये तो बात हुई कैरेक्टर्स की। अब बात करते हैं ट्रेट्स क्या है, ट्रेट्स हम किस टर्म के लिए यूज करते हैं। तो ट्रेट्स क्या है, अब देखो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म और वेरिएंट, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अल्टरनेटिव फॉर्म एंड वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर कॉल्ड ट्रेट्स, ओके। देयर आर डिस्टिंक्ट वेरिएशन ऑफ फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीसीज, एग्जैक्टली, कि हमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के हमें अल्टरनेटिव देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। तो अब इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हेयर कलर, तो हेयर कलर की अगर मैं बात करूं तो हेयर कलर हमें ब्लैक भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, गोल्डन भी होते हैं, ठीक है, और रेड भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रेट्स हैं हेयर कलर के, ठीक है, वेरिएशंस हैं, ठीक है। हेयर टाइप कर्ल भी होंगे, स्ट्रेट भी होंगे, स्किन टोन डार्क भी हो सकता है, ठीक है, वाइट भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। तो ये क्या है, दीज आर द अल्टरनेटिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेम एज आई कलर में हमें भी देखने को मिलता है ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। शीट कलर की अगर मैं बात करूं तो शीट कलर येलो हो सकता है, पी प्लांट की बात कर रही हूँ, ठीक है, और ग्रीन भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये ट्रेट्स है। शीट कलर इज अ कैरेक्टर एंड येलो एंड ग्रीन इज अ ट्रेट्स, ठीक है। शीट शेप राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है,
ये क्या है, राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड है ट्रेड्स। पोजीशन की अगर हम बात करें, टर्मिनल पर भी हो सकता है, यानी कि एंड पोजीशन पे भी फ्लावर देखने को मिलता है और एक्सल पोजीशन पे भी मिलता है। तो ये क्या है बेसिकली, इट इज अ ट्रेड्स एफ कैरेक्टर्स, अगर हम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये डिफरेंस था हमारा कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बीच में। तो मैं डेफिनेशन को दोबारा दोहराऊंगी, कैरेक्टर रेफर्स टू एनी ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये है हमारा कैरेक्टर, ठीक है। जहां पर और अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो ट्रेड्स क्या है, द अल्टरनेटिव फॉर्म और वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेड। तो अगर यहाँ पर ये तो डेफिनेशन हो गई, तो आगे मैं इसको बोलूँ तो देयर आर डिस्टिंक्ट वेरिएशंस ऑफ फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। ओके, तो हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इन को अपने आप नोट्स में लिखिए ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो, और बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं नई वीडियोस आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।